इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो यह आरोप लगा रहे हैं कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वह खुद भी यही काम करने में लगे हुए हैं और इस क्रम में सच झूठ की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वह न केवल नए नए झूठ गढ़ रहे हैं बल्कि अपने पुराने झूठ पर भी टिके हुए हैं। ऐसा लगता है कि वह इससे अवगत नहीं कि झूठ के फिर नहीं होते और इसीलिए अब वह यहाँ तक कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना में काम करने वाले लोगों के पैसे खुद चोरी करके अनिल अंबानी के खाते में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। पहले वह अनिल अंबानी की जेब का हवाला देते थे, अब वह उनके बैंक खाते का जिक्र कर रहे हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि वह इसके सबूत दे दे कि मोदी ने अनिल अंबानी के किस खाते में कब 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए? क्योंकि वह अपने अटपटे आरोपों को लेकर गंभीर नहीं, इसलिए अपनी सुविधा से इस रकम को घटाते बढ़ाते भी रहते हैं। वह कभी 30,000 करोड़ रुपए का जिक्र करते हैं और कभी 45,000 करोड़ रुपए का। एक समय वह इस राशि को 1,20,000 करोड़ बताया करते थे। हाल की एक रैली में तो उन्होंने अनिल अंबानी को चोर भी कह दिया। यह कितना उचित है? विगत दिवस ही राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता तब तिल मिला उठे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कह दिया था। आखिर जब राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण जिसको चोर कह सकते हैं और इस सच का जिक्र क्यों नहीं किया जा सकता कि वोपर तो सौदे में दलाली के आरोपों से राजीव गांधी की छवि तार तार हो गई थी। क्या कांग्रेस यह नहीं जानती कि वोपर सौदे में दलाली के लेन देन के सबूत भी सामने आए थे और इसके भी कि दलाली की रकम किसके खाते में पहुंची? अगर राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं कि खुद उन्हें तो हर तरह का झूठ बोलने का अधिकार है, लेकिन अन्य कोई तथ्यों के हवाले से भी कुछ नहीं कह सकता तो एक तरह की सामनशाही ही है। राहुल गांधी अब यह भी दावा कर रहे हैं कि मोदी ने जनता का पैसा चोरी करके नीरव मोदी और चौकसी के खातों में डाला। उनकी माने तो मोदी ने विजय माल्या को भी 10,000 करोड़ रुपए दिए। क्या यह उनकी और उनके साथियों की जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को बताएं कि यह काम कब और कैसे हुआ? क्योंकि तथ्य तो यही है कि विजय माल्या को जो अनाप शनाप कर्ज मिला वह मनमोहन सरकार के समय मिला था। राहुल गांधी अपने इस पुराने दावे को भी जब तब दोहराते रहते हैं कि मोदी ने अपने चंद मित्र उद्योगपतियों के 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। यह नीरा झूठ है, लेकिन समस्या यह है कि राहुल इस तरह का झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। वह यह समझे तो बेहतर कि यह महारत उनका भला नहीं करने वाली।